गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है पैरेलल लाइंस, राइट। तो पैरेलल लाइंस हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में, फिर भी इस साल हमें पढ़ना है पैरेलल लाइंस के बारे में, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए पैरेलल लाइन। सबसे पहले देखो क्या होता है कि पैरेलल लाइन, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैरेलल लाइन उसे कहेंगे जिसे दोनों लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करें, ठीक है, और डिस्टेंस दोनों का सेम रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये दो लाइन दिया है, एक लाइन L है और एक लाइन M है, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये जो लाइन दिया हुआ है टोटल, ठीक है, एक लाइन L है और एक लाइन M है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो ये दोनों लाइन को आगे बढ़ाता जाऊँ, है ना, ये लाइन को, तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। और ये देखो ये जो डिस्टेंस है ना, कहाँ से कहाँ तक, ये बी पॉइंट से लेके यहाँ तक डिस्टेंस बोल रहा हूँ, ठीक है। ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा सभी जगह, है ना, चाहे ये लाइन, चाहे आप कितना भी दूर लेके जाओ, है ना, ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस रहेगा, यहाँ से ये क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस किसे बोलेंगे कि वैसे दो लाइन जो कभी एक दूसरे को कट ना करें और हमेशा क्या रहें, मतलब हर डिस्टेंस उनका एक समान रहे, उसे पैरेलल लाइन बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक फिगर है जिसको हम लोग कि कैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें करना क्या है, ठीक है। जैसे एक पैरेलल लाइन लेना है, ठीक है, एक पैरेलल लाइन लेना है, और ठीक है, और इसी पे से कहीं भी पॉइंट मान करके, ठीक है, कहीं भी हम लोग क्या करना है, कहीं भी पॉइंट, जैसे यहाँ मान, मतलब ये लाइन के ऊपर पॉइंट लेना है, ये पॉइंट यहाँ मानो, पॉइंट यहाँ मानो, कहीं भी एक पॉइंट मानो, लेकिन पॉइंट कहीं भी लाइन पर होना चाहिए, ठीक है। ठीक, मैं यहाँ पे देखो एक लाइन ये बना दिया, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बोलेगा कि एक लाइन लो, ठीक है, एक लाइन, उसके बाद उसी पे कहीं भी एक पॉइंट बना के, पॉइंट से, तो आप क्या करना कि एक और दूसरा पैरेलल लाइन आपको खींचना है, ठीक है, दूसरा पैरेलल लाइन खींचना है, तो और वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, या कुछ भी बोलेगा 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको कि किस तरह से क्वेश्चन आपको, देखिए प्रैक्टिस वन, यहाँ पे प्रैक्टिस वन में आ गए, देखिए लिखा हुआ क्या कि ड्रॉ अ लाइन एंड कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू इट्स डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए। मान लो ये दो ठो लाइन है, तो इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, अभी मैं मार्क करूँगा रेड कलर से, ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये जो डिस्टेंस रेड कलर में जो दिख रहा है, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। कुछ भी बोल सकते, जैसे यहाँ क्वेश्चन में देखो 4.3 सेंटीमीटर बोला है ना, तो 4.3 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि कैसे ड्रॉ करना है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो मैं पहला क्वेश्चन ही यहाँ पे डील कर रहा हूँ, तो देखना ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन स्केल से ऐसे खींच लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि कहीं से भी एक पॉइंट, ठीक है, कहीं से भी एक पॉइंट लेकर के, देखो मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे पॉइंट किया हूँ, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको इसका जो थिकनेस है मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग, मैं किस तरह से इस क्वेश्चन को डील करना है, पहला क्वेश्चन को मैं ये चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखना, ये स्ट्रेट लाइन एक ले लिया मैंने, ठीक है, और एक पॉइंट आप ले लेना, ठीक है, एक पॉइंट आप यहाँ पे ले लो मान लो, ठीक है। तो आप क्या करना कि वो जो एक कंपास होती है, कंपास जानते हो ना, जिसमें एक में पेंसिल डालते हैं, ठीक है, पेंसिल डालते हैं, फिर ऐसे घुमाते हैं, ठीक है,
तो क्या करना है कि नुकीला को ये रेड जहाँ मार्क किया हूँ वहाँ पे रख के और अपने श्रद्धा अनुसार चाप को थोड़ा सा फैला लेना, है ना, आर्क को थोड़ा सा फैला करके कुछ ऐसे खींच लेना, ठीक है। अब वो जो चाप खींचे हैं हम लोग उसको जरा सा भी अब हिलाना नहीं है, फिर से वही जो पॉइंट हो जो नुकीला वाला पॉइंट है उसको यहाँ रखना है। कहाँ रखना है, मैं एक बार फिर से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे रखना है, ठीक है। देखो रखा, यहाँ पे नुकीला वाला पॉइंट रखना है, फिर उसको बिना मतलब डिस्टर्ब किए हुए एक आर्क यहाँ खींचना है, ठीक है, और अगला आर्क यहाँ इस पे रख के, है ना, इस पॉइंट पे रख के एक आर्क ये खींचा, दो आर्क खींचे, पिछले साल हम लोग किए हैं इस पे। अब इस पे एक आर्क रख के ऊपर, फिर इस पे एक आर्क रख के इस तरह से, तो ये कटिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो फिर ये जो रेड कलर का जो पॉइंट मिला मुझे, ये रेड से यहाँ तक को हम लोग ऐसे इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। ये कुछ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये कुछ ऐसे 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 कट करना है, ठीक है। ऊपर में ऐसे ऐसे कट होगा, फिर यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कितना बोला है, 3 सेंटीमीटर, तो क्या करना है आप, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बता रहा हूँ। 3 सेंटीमीटर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप पहले तो स्केल लेना, स्केल से वो 3 सेंटीमीटर मेजर कर लेना, ठीक है। स्केल से, कंपास से 3 सेंटीमीटर मेजर करके यहाँ पे नुक को रखना, मैं जहाँ पे ग्रीन कलर कर रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे, है ना, नुक नुक को रखना, और पेंसिल को 3 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करके क्या करना, कट मारना। तो कटेगा या तो ऊपर कटेगा या तो नीचे कटेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं ऐसे काट रहा हूँ तो ऊपर कटा, तो यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से देखो कैसे क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है, ठीक है। मैं एक बार फिर से ये कर लिया, ये, ठीक है, एक कट ऊपर ये आ गया, ठीक है। मान लो कि मान लो यहाँ पे आया, ठीक है, अब हमें क्या करना है, मान लो जो 3 सेंटीमीटर है वो यहाँ पे कट किया, ठीक है, स्केल से मेजर कर, ये जो लाइन मैं खींचा हूँ, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये जो लाइन मैं खींचा हूँ ये केवल स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मैं खींचा हूँ, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर नहीं है, लेकिन 3 सेंटीमीटर मेजर करके यहाँ से हमें इस पर एक कट मारना है, तो यहाँ पर कटेगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ पर कट किया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि अपने श्रद्धा अनुसार एक आर्क ऐसे लेना है, ठीक है, एक मिनट मैं क्लियर कर रहा हूँ। अपने श्रद्धा अनुसार आर्क ऐसे लेना है, और फिर से वही प्रोसेस, एक आर्क ऐसे, एक आर्क फिर इसी पे, फिर इससे इधर की ओर और इससे इसके ऊपर, कट गया, फिर इसको इस तरह से मिला देना है और इधर तक खींचना है, पूरा उधर तक, ठीक है, और इसको आगे बढ़ा देना। तो देखो ध्यान से कि हमें इसके पैरेलल में, ठीक है, ये इसके पैरेलल में ये एक लाइन ड्रॉ हो गया, और जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डिस्टेंस आया कितना आया बेटा, 3 सेंटीमीटर का आ गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कुछ इस तरह से डील करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बना करके भेजना है। ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, लिखा हुआ ड्रॉ अ लाइन, कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू इट्स डिस्टेंस 4.3, कैसा होना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए। अभी 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से हम लोग देखे थे, राइट, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से देखे थे, लेकिन अब कितना होना चाहिए, 4.3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस लाइक दिस कैन बी ड्रॉन टू अ पैरेलल लाइन, तो क्या, और ये भी बोल रहा है कि आप हमें ये भी बताओ कि कितना पैरेलल लाइन, है ना, कि कितना पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जवाब क्या होगा, इनफाइनाइट, है ना, इसका जवाब मैं बोल रहा हूँ, इसका जवाब, हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस लाइक दिस कैन बी ड्रॉन लाइन, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ एक लाइन है, तो इसके पैरेलल में कितना लाइन हम लोग पैरेलल खींच सकते हैं, तो इनफाइनाइट होगा, देखो बहुत सारा लाइन हम लोग खींच सकते हैं, है ना, ठीक है, इनफाइनाइट। तो वही चीज़ है, ये एक लाइन हो गया, तो देखो इसके पास से एक जाएगा, फिर इसके पास से, इसके पास से, इसके पास से, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब पैरेलल लाइन है,
समझ में आ रहा है? ये सब पैरेलल लाइंस है, तो इनफाइनाइट होगा इसका आंसर। और ये तो ड्रॉ करना है पहला का 4.3 पे, जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बोल रहा है कि ए बी सी डी इज़ पैरेललोग्राम, ये जो बना हुआ है ए बी सी डी, ये क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, वेयर ए बी पैरेलल सी डी, जहाँ पे ए बी जो है ये ए बी, ठीक है, क्या बोला है? अब देखो पैरेलल, देखो मैं लिख रहा हूँ ए बी, ध्यान से देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, देखो क्या लिखा है, ए बी पैरेलल, इस तरह के साइन को हम लोग पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, ए बी पैरेलल क्या लिखा हुआ है, सी डी लिखा हुआ है, ये देखो सी डी है ना, सी डी। अब देखो कैसे है ये, मैं एक बार बताता हूँ, सी डी, ठीक है, तो देखना ध्यान से आप कि क्या वाकई में ए बी पैरेलल सी डी है, क्या वाकई में ए बी पैरेलल सी डी है ना? तो अगर है तो आपको बताना है कि हाँ है। ठीक है, तो देखो ये ए बी जो लाइन है इसको आगे बढ़ाऊँ, इसको आगे बढ़ाऊँ, और सी डी जो लाइन है उसको आगे बढ़ाऊँ, उसको आगे बढ़ाता जाऊँ, तो क्या होगा? ये दोनों देखो ध्यान से देखोगे तो ये पैरेलल नज़र आ रहा है, और डिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम सेम ही रहेगा, है ना? ये देखो डिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे बोल रहा है ए बी जो पैरेलल है सी डी के, ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि सी एल परपेंडिकुलर ए बी, उसको क्या पढ़ते हैं, सी एल, और इस तरह से बना रहता है उल्टा टी, तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये सब पढ़ाया हूँ मैं, परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, क्या सी एल परपेंडिकुलर है किसके जी, ए बी के। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी एम परपेंडिकुलर ए बी, डी एम परपेंडिकुलर है किसके जी, ए बी के। ये जो डी एम है देखो, ये डी एम जो है, ठीक है, डी एम, ठीक है, ये किसके ऊपर में परपेंडिकुलर है, ये किसके ऊपर में परपेंडिकुलर है, ये डी एम परपेंडिकुलर ए बी, ये डी एम जो है, ये डी एम लाइन जो है, ये लाइन जो आया है ये किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के। ठीक है, और ये जो सी एल जो है, ये सी एल जो लाइन आया है वो भी किसके, ए बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, सी एल पैरेलल डी एम हो गया, उस तरह से क्या हो गया, ये सी एल, सी एल देखो मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये जो सी एल लाइन ये हो गया ना जी, ये ठीक है किसके, डी एम के क्या बोले, पैरेलल हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या पैरेलल है, तो बिल्कुल है, क्यों नहीं है? अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो कि अगर एम लाइन को ऐसे बढ़ाया जाए, डी को ऐसे बढ़ाया जाए, एल को ऐसे बढ़ाया जाए, सी को ऐसे, तो देखो ये कभी एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगे, और डिस्टेंस भी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए क्या होगा, क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज डी एम सी एल, ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्हाट काइंड ऑफ, क्या बोला वो, व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी एम सी एल, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेंगल आर, ट्रेंगल्स आर ट्रेंगल ए डी एम एंड ट्रेंगल एल सी बी, एंड ट्रेंगल एल सी बी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, इज देखो डी एम एल सी, किस क्या है ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, जिसका जिसके फोर साइड होते हैं, है ना? तो देखो ये डी एम सी एल जो है ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, डी एम सी एल ये कैसा है, ये बीच का जो फिगर बन रहा है ये इस फिगर, ये कैसा है, ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो आपको जवाब देना है कि रेक्टेंगल है, आर ई सी टी ए एन जी एल ई, रेक्टेंगल। ठीक है, ये दूसरा जवाब मिला। अब व्हाट काइंड ऑफ ट्रेंगल आर, है ना, ये जो ट्रेंगल बना है ए डी एम, ये कैसा ट्रेंगल बना है, तो ये देखो ये राइट एंगल ट्रेंगल बना है, और ये सी एल बी है ना, ये देखो एल सी एम है ना, एल सी एम, ठीक है, कैसा ट्रेंगल बना है, एल सी बी, ये एल सी बी कैसा ट्रेंगल बना है, तो राइट है ना, आर आई जी एस टी, जिस देखो राइट एंगल,
राइट एंगल ट्रेंगल बना है। ये तो ये देखो, ये तीसरा क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन था, एक यहाँ पे है, ठीक है ठीक है, उसके नीचे ये एक कैसा क्वाड्रिलेटरल है, और एक क्वेश्चन ये है तीसरा कि ये कैसा ट्रेंगल बन रहा है, यह ट्रेंगल की बातें कर रहे हैं, तो आपको राइट एंगल ट्रेंगल लिखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोग बना के पहले तो भेजना इसको, ठीक है, और जल्दी से बना के भेजना ताकि आगे आगे का डिस्कस किया जाए, आगे के टॉपिक जो डिस्कस किया जाए। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो ऑनलाइन क्लास था ये काफ़ी आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।